वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो को यदि आपने अपने ऑपरेटर, सुपरवाइजर, लाइन इंचार्ज और इंस्पेक्टर को यदि आपने दिखा दिया तो दोबारा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं। ऑपरेटर की ट्रेनिंग खत्म, टाटा बाय बाय। यदि आप लाइन इंचार्ज हैं, आप लाइन सुपरवाइजर हैं, आप लाइन ऑपरेटर हैं, आप इंस्पेक्टर हो, आपकी कहीं इंटरव्यू है, आप ऑटोमोटिव कंपनी में नए ज्वाइनिंग हो, आपको कहीं कल इंटरव्यू देने जाना है, आप अभी डिप्लोमा पास आउट हो, आपने अभी जस्ट बीटेक पास आउट किया है, आपको किसी ऑटोमोटिव कंपनी में काम करने जाना है, आपको नहीं पता कि वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप एक साल के एक्सपीरियंस हो, आप जूनियर एग्जीक्यूटिव कन्फर्म होने वाले हो, या किसी कंपनी में आप एग्जीक्यूटिव या जूनियर एग्जीक्यूटिव जाने वाले हो, तो ये सॉफ्ट फ्लोर के क्वेश्चन आपको ऑटोमोटिव कंपनी में पूछे ही जाएंगे। हर जगह आपसे ये बेसिक्स क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा, कहीं मिस नहीं कीजिएगा, कोई एक टॉपिक भी मिस नहीं होना चाहिए। आप इस वीडियो को याद कीजिए और कोई भी यही तरीके का कोई कॉमेंट हो, यही आपको कोई क्यूरी हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी दिए हुए हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हमें कई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपका इंटरव्यू एक बार में निकलेगा, आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू। आज हम जानेंगे क्वालिटी के बारे में सबसे पहले, उसके बाद जानेंगे वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होती है, फिर जानेंगे ऑपरेशन कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या हैं, फिर हेमनोल्टी हैंडलिंग के बारे में, स्टॉप कॉल रूल के बारे में, ड्रॉप पार्ट रूल के बारे में, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के बारे में, चेक पॉइंट इंडिकेशन सीट के बारे में, पार्ट मिक्सअप सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, रिवर्क कैसे करेंगे, पावर फेल्योर कैसे सेटअप करेंगे, देन सेटअप रूल क्या है हमारा, रिपेयर क्या रूल है, डिफेक्ट हैंडलिंग रूल क्या है, पोका ओका कैसे कहते हैं, कैलिब्रेशन क्या होती है, मशीन चेक सीट क्या होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसे करते हैं, सीएफटी टीम का क्या अप्रोच होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रो गेम्बा कैसे करते हैं। तो आइए हम आपको नेक्स्ट वीडियो तक ले चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है फिटनेस फॉर यूज़, कैसे कोई प्रोडक्ट और प्रोसेस अपने यूज़ के लिए परफेक्ट हो पाए, रेडी टू परफॉर्म हो पाए और रेडी टू यूज़ हो पाए, उसको हम क्वालिटी प्रोडक्ट कहेंगे। देन हम जानेंगे उसके क्या क्या हमें फ़ायदे हैं। क्वालिटी से हमें हायर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें रिलायबल प्रोडक्ट मिलता है, बेटर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस हैं, लोअर रिजेक्शन रेट मिलता है। देन और भी फायदे हैं, मोर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट आती है, मोर मार्केट शेयर बढ़ता है हमारा, लेस कस्टमर कंप्लेन होता है, टीम मेंबर मोरल अप होता है। तो क्वालिटी के बहुत सारे फायदे हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी बनाना और मशीन पे ही बन सकता है वो, आगे जा कर करके उसको हम सिर्फ रिवर्क एंड रिपेयर कर सकते हैं। देन जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो यदि ख़राब हो तो क्या हो सकता है। देखिए आप जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये आइसबर्ग है, ज़मीन में जितने ये पानी के ऊपर दिख रहा है इससे कहीं ज़्यादा नीचे होगा। तो इसका रीज़न ये है कि मैं ये बता सकता हूँ कि जो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये रिजेक्शन भी है, वेस्ट भी है, टेस्टिंग कॉस्ट है, रिवर्क है, रिकॉल है, इंस्पेक्शन कॉस्ट है, कस्टमर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है उसमें यदि कोई क्वालिटी ख़राब है तो ये सारे रिजेक्शन और वेस्ट हैं। रिजेक्शन और वेस्ट ना दिखता कम है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बड़ा होता है। वो इसी को ये दिखा रहे हैं हम कि जो ये रिजेक्शन एंड रिवर्क ना आइसबर्ग, जो आइस का बड़ा सा टुकड़ा है उसका छोटा सा कोना दिखाई दे रहा है पानी के ऊपर, लेकिन पानी के नीचे वो आइसबर्ग कितना बड़ा है नहीं पता। तो आप समझिए कि डिफेक्ट यदि आपके प्रोसेस में है या आपका क्वालिटी ख़राब है तो दिखेगा छोटा लेकिन उसके इम्पैक्ट इंटरनल बहुत होते हैं। देन हम देखते हैं कि क्या है हमारा जॉब इंस्ट्रक्शन सीट क्या है। देखिए आपके काम करने का जो तरीका किसी इंस्ट्रक्शन सीट में लिखा हुआ है और आप उसी तरीके के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वो जॉब इंस्ट्रक्शन सीट होता है, जिसमें हमारा जॉब सीक्वेंस, काम को किस तरीके से करना है, कौन कौन से सीक्वेंस से करना है, क्या क्या चेक पॉइंट है, क्या क्या चेक करना है और क्या क्या कंट्रोल आइटम है, सपोज की कोई क्या क्या इंस्पेक्शन करना है, कौन सा डायमेंशन चेक करना है, यदि वो सारा चीज़ किसी एक सेक्टर में लिखा हुआ है उसको हम जॉब इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, या सिक्वेंशियल चेक सीट कह सकते हैं, या हम अपना उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वो कह सकते हैं।
देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या जीट से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। ऑलवेज फॉलो इंस्ट्रक्शन इन जीट, जीट में जो जो चीज़ लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है जी आपको। एंड वनली यूज अपडेटेड जे आई, मतलब कि जो अपडेटेड जे आई है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वही चीज़ आपके जे आई जॉब इंस्ट्रक्शन शीट में लिखा होना चाहिए, वही आपके सिक्वेंशल चेक शीट में लिखा होना चाहिए। जो आप काम नहीं कर रहे हैं उस सिक्वेंस में नहीं लिखा होना चाहिए। तो यदि आपको ऐसे कोई दिक्कत है आपके जीवन में, यदि आपके डिस्प्ले पे आपके स्टेशन के ऊपर कोई डिस्प्ले है और वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन गलत लिखी हुई है, तो आप अपने सुपरवाइजर को कह करके उसको चेंज करा सकते हो। एनी एबनॉर्मलिटी इन जे आई, वही यदि कोई इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप सुपरवाइजर से कह करके चेंज करा सकते हो। देन है कि हम इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लेस मिस्टेक्स एंड एरर होते हैं, आप यदि नियम से काम करेंगे तो गलतियाँ कम होगी, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, आपके एक्सीडेंट कम होगी आप रूल से काम करोगे तो, लेस इक्विपमेंट डैमेज, आप रूल से काम करोगे तो आपके इक्विपमेंट डैमेज कम होंगे। इतने तो इसके फायदे हो गए। देन हम देखते हैं कि जहाँ पे जॉब इंस्ट्रक्शन नहीं है जिस स्टेशन पे, तो वहाँ तो इस तरीके से काम है कि ऑपरेशन वन पार्ट बना रहा है, ऑपरेशन टू का वेट कर रहा है, ऑपरेशन टू पार्ट इसका वेट कर रहा है, पार्ट उसके रीच तक नहीं है। यदि जॉब इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, यदि जॉब इंस्ट्रक्शन वहाँ पर रहेगा तो वहाँ क्या होगा कि देखिए हमने क्या किया है, पार्ट एक बनाया, सिंगल फ्लो है, पार्ट को उसने रखा और जे जो टू है ऑपरेशन टू वाला उसके रीच तक वो पार्ट है, वो पार्ट उठा के फिर नेक्स्ट ऑपरेशन काम करेगा, नहीं तो उसका वो वेट ही करता रहता है भाई कि पार्ट दे दो, क्योंकि उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन उसको नहीं सही से दिए हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन मैनुअल सीट, मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का वर्क इंस्ट्रक्शन है, ओसीपी है, ऑपरेशन कंट्रोल प्रोसीजर है, जो हम सेफ्टी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड या किसी मशीन के ऊपर स्पेशल क्रिटिकल मशीन के ऊपर ओसीपी लगाते हैं कि वो कैसे उस मशीन पर कैसे कार्य करना है। तो इसमें क्या है कि इट कंटेन्स द स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन सीक्वेंस, मतलब कि उस स्टेशन का कि कैसे सीक्वेंस, इस मशीन का सीक्वेंस क्या है, उस मशीन के सीक्वेंस से कैसे काम करना है, वो चीज़ उसमें लिखी होती है। फिर उसमें देखते हैं हम क्या कि ऑलवेज फॉलो हैंड मूवमेंट ऑफ सीक्वेंस इन ओएमएस। अब आपका जो ऑपरेशन मैनुअल स्टैंडर्ड है या ऑपरेशन कंट्रोल प्रोसीजर है, उसमें जो आपके सीक्वेंस दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ओनली यूज अपडेटेड ओएम, वही बात है, यदि आपके ओएमएस हो या ऑपरेशन कंट्रोल प्रोसीजर है, यदि कोई इंस्ट्रक्शन आपके डिस्प्ले है और उसमें कोई गैप है, आप काम कर रहे हो किसी और तरीके से, लिखा हुआ उसमें किसी और तरीके से है, तो आप सुपरवाइजर को कह सकते हो कि कृपया इसको चेंज कीजिए, इसको अपडेट कीजिए। और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत बताओगे कि हाँ जी ऐसा दिक्कत आ गया जी। देन है इसके बेनिफिट्स हैं, वही है, लेस मिस्टेक्स एंड एरर है, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट है, आप रूल से नियम से काम करोगे तो आपको डिफेक्ट कम बनेंगे और एक्सीडेंट नहीं होंगे, आपको सब पता है। देन हम देखते हैं कि एबनॉर्मलिटी क्या होती है। एबनॉर्मलिटी ये हो जाती है कि ऐसा कोई घटना जो हमें पता नहीं था कि ये घटने वाली है या फिर होने वाली है, जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, ऐसा घटना घट गया। ऐसी एबनॉर्मलिटी के केस में या तो हमारा डिफेक्ट होता है या तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए अपने बॉस को कॉल करना है कि स्टॉप कॉल वेट, मतलब कि अपने ऑपरेशन को पहले स्टॉप करना है, अपने सीनियर सुपरवाइजर जो भी हैं उनको कॉल करना है, मतलब बुलाना है, बताना है ये सारी चीज़, और नेक्स्ट ऑपरेशन तक, जब तक नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाता सुपरवाइजर से, तब तक वेट करना है। देखते हैं कि हम इसमें क्या है, डिफरेंट एबनॉर्मलिटी आइटम एंड कंटेंट, कि जो हमारे क्या क्या डिफरेंट एबनॉर्मलिटी होते हैं, व्हेन ऑपरेशन एंड प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन। अभी जो आपका प्रोसेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि एबनॉर्मल कलर टेक्सचर कुछ आने लग गया पार्ट में, फिर पार्ट में हमारा जैसे कि पार्ट में आपको स्टिकी मटेरियल कोई आ गया, कलर चेंज आ गया, एबनॉर्मल मोटर साउंड आ रहा है मशीन से, कोई मशीन से स्मेल आ रहा है, शॉर्ट्स बेंड हो गया, पार्ट में डेंट लग गया, कोई होल जाम आ रहा है,
फिर उसके बाद क्या है कि पार्ट आपको सही समय पर नहीं मिल रहा है, ब्रेक डाउन आ रहे हैं मशीन में बार बार, कहीं के कोई मशीन में लीकेज है, वाटर का, एयर का या ऑयल का लीकेज है, तो ये सारे चीज़ एबनॉर्मलिटी में आएंगे। फिर दूसरी एबनॉर्मलिटी है कि कोई नया टाइप ऑफ डिफेक्ट आ गया है, फिर डिफेक्ट अकर इन कंटिन्यू प्रोसेस, बार बार डिफेक्ट आ रहा है, फिर पास्ट डिफेक्ट डिसपेयर्ड इन सडनली, मतलब कि जो डिफेक्ट पहले आई थी और उस पर हमने काउंटर मेजर ले रखा था, उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा था, वही डिफेक्ट फिर से आ गई। फिर है कि वेन क्रिटिकल डिफेक्ट अकर, मतलब कि सेफ्टी से रिलेटेड और फंक्शन से रिलेटेड, आपको अपने स्टेशन पे क्या क्रिटिकलिटी है काम करने की वो आपको बताई गई होगी, और उस क्रिटिकलिटी में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको क्रिटिकल प्रॉब्लम कहते हैं। क्रिटिकल प्रॉब्लम से ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि क्रिटिकल क्या होती है, क्रिटिकल हमारे बॉडी के लिए क्रिटिकल क्या है, आँख नाक मुँह कान है, मतलब कि पांच इंद्रियां हमारी क्रिटिकल है, और उस पांच इंद्रियों में कोई फेलियर आता है तो हम क्रिटिकल फेलियर समझेंगे। उसी तरीके से मशीन में कुछ पांच इंपॉर्टेंट इंद्रियां होंगी, पार्ट में कुछ पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे कि हाँ ये चीज़ पार्ट में ख़राब नहीं होना चाहिए, मशीन में ये चीज़ ख़राब नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ है, तो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। उस क्रिटिकल पॉइंट में यदि कोई ब्रेकडाउन है, कोई डिफेक्ट आती है, तो वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। फिर है कि अभी देखिए कि अलग अलग तरीके के और भी एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं पार्ट से रिलेटेड। आप समझेंगे मैन मशीन मटेरियल मेथड में चेंज है, मैन पावर आपका चेंज हो गया, पार्ट गिर गया नीचे, लिमिट सैंपल आपका वहाँ पे ख़राब है। लिमिट सैंपल से आप क्या समझते हैं कि पार्ट को जो हम बनाते हैं उसको रेफरेंस लेकर के बनाते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे एबनॉर्मलिटी आपके भी प्लांट में डिफाइंड होंगे, आपके भी स्टेशन पे जहाँ आप काम करने जाएंगे या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ भी आसपास कोई एबनॉर्मलिटी की कोई लिस्ट डिफाइंड होगी कि हाँ क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। यदि कोई नई चीज़ की एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे मैं आपको बता दिया कि अकस्मात होने वाली घटना को इन्फॉर्म करना है सुपरवाइजर को, पहले तो मशीन स्टॉप करना है, स्टॉप कॉल वेट याद रखना है, मशीन स्टॉप करना है, सुपरवाइजर को कॉल करना है, और तब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करना है जी। नेक्स्ट है कि अभी जो हमारा एबनॉर्मलिटी का सम एग्जांपल मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन डिफेक्ट क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है। न्यू डिफेक्ट आ गया जी, अनयूजुअल एक्टिविटी हो गई, जैसे कि मतलब कोई नया पार्ट ही मिक्सअप हो गया, किसी अलग तरीके का पार्ट मिक्सअप हो गया। देन द एबनॉर्मलिटी रिपोर्टिंग रूट क्या करना चाहिए, डिफेक्ट डिटेक्टेड बाय ऑपरेटर, यदि डिफेक्ट डिटेक्ट हुआ ऑपरेटर के थ्रू, यदि डिफेक्ट डिटेक्ट हुआ ऑपरेटर के थ्रू तो हमें क्या करना है जी, ये डिफेक्ट डिटेक्ट ऑपरेटर के थ्रू हुआ तो हम क्या कर रहे हैं आगे, इन्फॉर्म टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को बता रहे हैं भाई डिफेक्ट आ गया जी, है ना, एक एबनॉर्मलिटी आई मैंने सुपरवाइजर को बता दी। फिर है स्टॉप मशीन एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म सुपरवाइजर, स्टॉप कॉल वेट, मतलब कि पहले स्टॉप करना है मशीन, सुपरवाइजर को कॉल करना है, बताना है सारी बातें, और सुपरवाइजर को सब कुछ बता दिया तो सुपरवाइजर के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक आने तक हमें वेट करना है। देन होल्ड ऑल पार्ट्स इन सेपरेट लोकेशन विथ टैग, मतलब जितने पार्ट हमें एनजी लग रहे हैं कि हाँ ये डिफेक्ट ख़राब हो सकते हैं एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से, तो उसको हमें अलग रखना है और उसको बाद में हमें सेग्रीगेट करना है। फिर उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वो हमें जो मिलेगा। देन जो एबनॉर्मलिटी का जो मेन सार है ना, वो स्टॉप कॉल वेट है ना, तो हमें क्या करना है कि कोई एबनॉर्मलिटी आने के बाद मशीन को स्टॉप करना है, सुपरवाइजर को कॉल करना है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने तक वेट करना है। इससे क्या होता है कि आपको भी कभी दिक्कत नहीं होगी कि कुछ गलती ना हो जाए मशीन के ऊपर, पार्ट में कुछ ज़्यादा गलती ना हो जाए, आप भी सेफ रहेंगे और सीखते रहेंगे, इस तरीके से आपको मशीन से दूर हो जाना है। अभी तीन पॉइंट हैं, जैसे कि रीचेक होल्ड पार्ट, सारे होल्ड पार्ट को आपको चेक करने हैं, सही तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं, ख़राब पार्ट को आपको रिजेक्शन बिन में डालना है, उसको अलग ही करना है कहीं मिक्सअप ना हो जाए। फिर स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, फाइंड रूट कॉज एंड टेक एक्शन। फिर आपको ये सोचना है कि आखिर ये गलती हुई तो हुई कैसे,
कैसे ये प्रॉब्लम हमारे एंड तक आया और कैसे हम इसमें वो कर सकते हैं, तो फिर आप उस पर लेंगे। फिर है स्टार्ट मशीन आफ्टर इन्फॉर्मेशन ऑफ सीनियर, सीनियर क्या इन्फॉर्मेशन देगा उसके अकॉर्डिंग में आपको मशीन स्टार्ट करना है। एबनॉटी हैंडलिंग का एग्जांपल दे सकते हैं, ये पार्ट बना रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये बंच ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट को यहीं रख रखा है, ये बंच ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट यहाँ रख रखा है, ये दोनों ने अपने अपने स्टेशन में डिफेक्टिव प्रोडक्ट रख रखे हैं, यहाँ पर कोई वो नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे हमने अच्छा लगा दिया तो यहाँ देखिए कि लाइन एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये डिफेक्ट 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 चिल्ला रहा है, मशीन को स्टॉप कर दिया और कॉल भी करने लग गया। सुपरवाइजर आएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, फिर से मशीन चल जाएगी, कोई डिफेक्ट नहीं बनेगा, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ड्रॉप पार्ट रूल क्या है? कंट्रोल मेथड टू प्रिवेंट ड्रॉपिंग पार्ट प्रोडक्ट। ड्रॉप पार्ट को हम कैसे संभालेंगे? ड्रॉप पार्ट गिर गया उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रेड बिन में डालेंगे, और सुपरवाइजर जब आएगा तो उसके साथ मिलकर करके हमको वो करना है। सुपरवाइजर जब आ गया तो उसके साथ मिलकर करके हमको डिसीजन लेना है कि वो पार्ट ओके था या एनजी था। अभी यहाँ देखेंगे कि ये पार्ट पहले रेड बिन में डालना है, फिर सुपरवाइजर से डिस्कस करना है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कि जो हमारे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमें मार्किंग करनी है, और कोई डायमेंशनल एनजी आता है तो उसमें मार्किंग करनी है। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि प्रिवेंट डिफेक्टिव पार्ट फ्लो आउट टू कस्टमर। मतलब यदि ड्रॉप पार्ट रूल के पार्ट को हम यदि सेग्रीगेट सही जगह से अलग जगह रखेंगे सेपरेट, फिर उस पर डिसीजन लेंगे, तो हमें डिफेक्टिव पार्ट कस्टमर तक आउट फ्लो नहीं होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि CPIS क्या होता है, हमारा चेक पॉइंट इंडिकेशन सीट क्या है। आपके हर स्टेशन पे कोई ना कोई मॉनिटरिंग सीट होगी, मशीन स्टार्टअप सीट होगी, मशीन चेक सीट होगी, आपका ऑपरेटर स्टार्टअप चेक सीट होगी, जिसमें ये हम देखते हैं कि मशीन के बारे में चेक पॉइंट होते हैं कि भाई मशीन का पानी स्टार्ट करना है, सबसे पहले जिग को साफ करना है, फिर उसके बाद उसमें पार्ट को चेक करना है, फिर उसके बाद उसमें ये चीज़ होती है। उसमें यह चीज़ भी होता है कि हम पहले प्रोडक्ट को कैसे चेक करें कि भाई जो पहला प्रोडक्ट बनाएंगे वो ओके होगा कि नहीं होगा, पहले प्रोडक्ट के ओके होने के लिए क्या क्या चेक पॉइंट है, जिसको हम फर्स्ट ऑफ पार्ट भी कह सकते हैं, FPA भी कह सकते हैं, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन पर्सन एक स्टेशन पे ऑपरेटर कोई पार्ट को बनाता है, सबसे पहले मशीन की चेक पॉइंट चेक करता है, स्टार्टअप चेक सीट चेक करता है, देन एक पार्ट को बनाता है, वो पार्ट को अप्रूवल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर वो क्वालिटी पर्सन उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट वो है, वो सारे पॉइंट्स को वेरीफाई करके कहता है कि ऑल पॉइंट्स आर ओके, देन आप इस पार्ट को आगे चला सकते हो, ये FPA आपका अप्रूवल हमने दे दिया कि फर्स्ट पार्ट का अप्रूवल हमने दे दिया, अब आगे पार्ट आप चला सकते हो, आपका जो पार्ट सेटअप है वो सही हो गया है। इसके बेनिफिट क्या हैं आप ये समझेंगे। इसके बेनिफिट हैं कि कैन आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटी इन द फर्स्ट प्रोडक्ट। आपको ना पहले प्रोडक्ट में एबनॉर्मलिटी पता चल जाएगा यदि आप FPA हर पहले पार्ट को मशीन जब भी स्टार्ट करें तो पहले पार्ट को जरूर इंस्पेक्शन करें, और उसके इंस्पेक्शन सीट के द्वारा, ताकि आपको पहले से पहले एबनॉर्मलिटी पता चले। प्रिवेंट मोर डिफेक्टिव पार्ट प्रोडक्शन ऑनलाइन। अभी क्या है कि हम डिफेक्टिव पार्ट ज़्यादा ना बन जाए। अब सपोज क्या कि हम पार्ट सेटअप किए और पार्ट प्रोडक्शन में रन कर दिए और पार्ट जो था वो डिफेक्टिव बन रहा था, मशीन ने ओके पार्ट निकाला ही नहीं था और वो पार्ट बनता चला गया। हमने कब 100 पार्ट के बाद जाके देखा, तो 100 पार्ट के बाद जाके देखा तो 100 पार्ट तो हमारे एनजी बन गए। नहीं, हमें फर्स्ट पार्ट ही चेक करना है, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल हो जाए तभी प्रोडक्शन रन करना है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हमें चेक पॉइंट को लेकर के दिमाग में रखनी है बातें, कि ऑलवेज जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट है वो उसको हमें कंफर्मेशन चेक करना है। देन हमें सीक्वेंस जो हमारा है काम करने का, जो इंस्पेक्शन करने का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में हमें चेक करना है कि वो पार्ट सही है कि नहीं सही है। देन फिर फर्स्ट प्रोडक्ट को ओके करना है सीनियर के द्वारा, देन उसके बाद प्रोडक्शन रन करना है हमें, फिर उसके बाद लास्ट प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे उस लास्ट प्रोडक्ट को भी हम आइडेंटिफाई करके रख देंगे और उसको फर्स्ट प्रोडक्ट से कंपेरिजन करेंगे कितना चेंजेस आ गया। और यदि कोई चीज़ है तो
तो उसको हम फिर से अपने इंस्ट्रक्शन में अपडेट करेंगे। फिर हम देखेंगे पार्ट मिक्सिंग प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या है। पार्ट मिक्सिंग से क्या हो जाता है कि हमें डिफेक्ट जनरेट होता है और कस्टमर एंड तक चला जाता है। ये कब हो सकता है कि चाइल्ड पार्ट का पार्ट मैच हो सकता है, सब असेंबली जो है वो मिक्स हो सकती है, और फाइनल प्रोडक्ट भी मिक्स हो सकता है जब उसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट एक ही बिन में दो तरीके के प्रोडक्ट रखा जाए। तो हमें क्या करना है, एक प्रोसीजर हमें डेवलप करना है, और प्रोसीजर डेवलप भी होगा आपके पास में कहीं ना कहीं कि पार्ट मिक्सअप क्या करना है। पार्ट मिक्सअप करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्डाइज जगह होंगे हर पार्ट को रखने के लिए, हर पार्ट को इंस्पेक्शन करने के लिए। कोई भी दो या तीन पार्ट एक साथ काम नहीं करना है। एक पार्ट के साथ एक साथ काम किया और उस तरीके के सारे, सपोज कि आपके पास 100 पार्ट मिले आपको इंस्पेक्शन करने के लिए, तो आप उसमें ना 3 पार्ट रिजेक्शन मिले और 97 पार्ट ओके मिले, तो आप क्या करेंगे कि 97 पार्ट जो ओके हैं उसको ओके वाले प्लेस पर रखेंगे, 3 पार्ट को आपको रेडबिन में डाल देंगे, देन कोई दूसरा वाला आप तब हम जा करके कोई दूसरा वाला आप 200 पार्ट लेंगे, यदि दूसरी प्रोडक्ट को लेना है फिर हम 200 पार्ट लेंगे। पहले वाले सारे पार्ट को हम ठिकाना लगा देंगे तब जा करके दूसरा पार्ट लेंगे, नहीं ठिकाना लगाएंगे और उसी में हम काम करने लग जाएंगे, तो हो सकता है कि वो 3 पार्ट जो डिफेक्ट बना था वो इसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हम डिफेक्ट को बचाने के लिए मिक्सअप से हम बचेंगे। अब देखिए मिक्सअप करने के लिए कैसे स्टोरेज सही की कर दिया है, अब सब जगह स्पेसिफाइड लोकेशन है, कोई लोकेशन को मिक्सअप होने के लिए हमें स्टॉप कॉल वेट का भी हमें इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन सारे लगे हुए हैं, हमें उस तरीके से उसके प्रोसेस करना है। इसके बेनिफिट्स क्या है कि प्रिवेंट सेमी प्रोसेस्ड डबल डाउटफुल एंड अदर पर्पस पार्ट आउटफ्लो टू द कस्टमर। मतलब ऐसा कोई डिफेक्टिव पार्ट है और सेमी फिनिश पार्ट है वो कस्टमर तक जाने से रुक जाता है। देन हम देखते हैं कि पार्ट मिक्सअप, पार्ट मिसिंग, कनबन मिक्स ड्यूरिंग सॉर्टिंग रीचेकिंग एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया एंड अदर डिपार्टमेंट। अब ये देखेंगे कि इसका मेन दिक्कत क्या है, पार्ट कब मिक्सअप होता है। पार्ट मिक्सअप होता है जब हम आप उस पर रिवर्क करते हैं या रिजेक्शन इंस्पेक्शन कर रहे हैं या फिर हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं या रीचेक कर रहे हैं, तो उस समय पे पार्ट मिक्सअप होने का चांस रहता है। तो इस सबसे अच्छा उपाय है कि रीचेक, रिवर्क, रिपेयर जो है वो शॉप फ्लोर से दूर कहीं एरिया में हो रहा हो, तो हो सकता है कि हमें मिक्सअप का कम चांस हो। तो इस तरीके से हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो पार्ट सॉर्टिंग और उसका जो स्टेशन है इस तरीके से होना चाहिए, लेआउट ऑफ सॉर्टिंग एरिया कैसे है कि इसमें ये इंस्पेक्शन है स्टार्टिंग ऑपरेशन और पैकिंग ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए बिफोर के पार्ट रखे हुए हैं या रेडबिन है, अभी देखिए यहाँ पे ये बिफोर के पार्ट हैं, ये रेडबिन है, ये आपको येलो बिन है, ये पार्ट चेक कर रहा है, इसको यदि कोई डिफेक्ट मिल रहा है तो रेडबिन में रखेगा, यदि रिजेक्ट है और ओके है तो उस मतलब अभी डिसीजन पेंडिंग है, उसको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत हो सकती है तो वो उसको येलो बिन में रखेगा। देन वो पार्ट को पास कर रहा है, जो भी ओके पार्ट हो रहा है उसको वो पास कर रहा है, अब पास होने के बाद जो पैकिंग ऑपरेटर है उसको पैक कर रहा है, पैक होने के बाद यहाँ पे रख रहा है, ये आफ्टर का पार्ट है जी, यहाँ पे कोई वो डिस्कशन नहीं है। उसको स्टेशन पे क्या क्या लगा हुआ है जी, आप देख सकते हैं स्टेशन पे लगा हुआ है जी, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है और आपका कंट्रोल प्रोसीजर इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड लिखा है, चेक पॉइंट्स वाले लगे हैं, पैकिंग स्पेसिफिकेशन लगा है कैसे पैक करना है, और रिस्पॉन्सिबल टीम लीडर। मतलब कि अब ये देखिए कि ये सारे जो इनको है इनको सारा का सारा इस टेबल पे सुविधा मुहैया कराया गया है और उस तरीके से उनको रूल के हिसाब से काम करना है। द नेक्स्ट है कि हम कैसे पार्ट मिक्सअप ना हो, ये सब सारा बेनिफिट है हमें। फिर समझते हैं हम रिवर्क क्या है। रिवर्क क्या है, डिफेक्टिव पार्ट में कुछ गलती हो गई है उसको हमको सही करने के लिए रिवर्क करते हैं। रिवर्क करने में क्या है कि कुछ वर्क है जिसमें हम डिसअसेंबली करते हैं, फिर उसमें कुछ पार्ट और जोड़ करके रिपेयर कर देते हैं, कुछ पार्ट नया लगा करके उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और फिर उसको रीअसेंबल कर दिए, तो ये एक तरीके का वेस्ट ही है, क्वालिटी वेस्ट है।
तो इस तरीके से रिवर्क क्या दिक्कत होती है। रिवर्क इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको रिवर्क एरिया शुड सेपरेट, रिवर्क एज पर इंस्ट्रक्शन एंड डिस्प्ले, रिवर्क इस तरीके से होना चाहिए। स्किल ऑपरेटर रिक्वायर्ड ऑथराइज्ड ऑपरेटर लिस्ट, एक रिवर्क करने का एक ऑथराइज्ड ऑपरेटर लिस्ट होना चाहिए जो वही रिवर्क करेगा, क्योंकि रिवर्क बहुत क्रिटिकल चीज़ है। देन है कि कीप रिवर्क पार्ट इन सेपरेट लोकेशन बिफोर आफ्टर टैग, आप रिवर्क पार्ट करने वाले को अलग अलग आप सेपरेट लोकेशन पर टैग के साथ रखेंगे। कोई यदि एबनॉर्मलिटी और कोई डाउट होती है तो स्टॉप कॉल रूट का फॉलो करेंगे, स्टॉप कॉल वेट करेंगे, और यदि रिवर्क पार्ट का आपने रिवर्क किया है तो उसका रिकॉर्ड बकायदा रखेंगे और उस तरीके से उसका आप चेकिंग करेंगे। देन है कि इसका क्या पर्पज है, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पावर फेल्योर। पावर फेल्योर या फिर किसी लाइन डिफेक्ट के कारण यदि रिवर्क बन गया तो उसको हमको प्रोडक्ट क्वालिटी को इंक्रीज करना है। फिर हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं रिवर्क को फॉलो करने के लिए। प्रोडक्शन स्विच ऑफ एंड वाल्व मशीन्स, यदि ऐसा कुछ होता है फेल्योर तो पावर फेल्योर के केस में ऐसा कुछ होता है तो पावर फेल्योर में हम क्या करना है, अपने मशीन को सारे को बंद कर देना है, सब मशीन को बंद कर देना है। फिर उसके बाद इन्फॉर्म टू सुपरवाइजर, फिर टू नॉट पास एनी पार्ट नेक्स्ट प्रोसेस वेट, अभी नेक्स्ट ऑपरेशन तक आने से पहले, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने से पहले सुपरवाइजर का वेट करना है। देन देखेंगे कि पावर फेल्योर के केस में और क्या क्या जी हमें क्या करना है, टेक और मशीन से सारे पार्ट को बाहर निकालना, स्क्रैप बाहर निकालना, स्क्रैप से अभी रीस्टार्ट प्रोडक्शन करना है जब सुपरवाइजर आकर के चेक कर लेगा सारा पार्ट को, और जो हमारा इनिशियल सेटअप पार्ट है तो फिर से उसको इनिशियल सेटअप करना है और फिर से उसको यूज करना है। बेनिफिट्स क्या है जी, प्रिवेंट डिफेक्ट पार्ट फ्लो आउट टू द कस्टमर, कस्टमर तक पार्ट नहीं जाएगा जी। फिर हमारा मॉडल चेंज और सेटअप है, फिर हम इसमें क्या करते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं मॉडल चेक पॉइंट करने में, और इस चेक पॉइंट के अकॉर्डिंग हम पार्ट चेंज करते हैं, सेटअप चेंज करते हैं, डाई चेंज करते हैं, रिलेटेड टू दीज आइटम पार्ट चेंज करते हैं, जिग डाई टूल चेंज करते हैं और मशीन का पैरामीटर चेंज करते हैं। तो ये हमारा चेंज सेटअप हुआ जी। इसमें क्या है कि टू कंफर्म द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी मशीन ड्यूरिंग मॉडल चेंज सेटअप, ये मॉडल चेंज सेटअप के दौरान जो पार्ट पार्ट की क्वालिटी की को चेक करना पड़ता है कि मॉडल चेंज के टाइम में क्या होता है कि पार्ट ना डिफेक्टिव बन सकते हैं, वह स्टार्टअप के पार्ट्स होते हैं वो मिक्सअप हो सकते हैं, कोई एबनॉर्मलिटी आए पार्ट को चेक करना है सही से, फिर एबनॉर्मलिटी आए तो स्टॉप कॉल वेट का पालन करना है, और यदि कुछ अपडेट है तो उस OCP में अपडेट कर देना है। इस मॉडल चेंज सेटअप सीट जो है वो चेक पॉइंट इसलिए है क्योंकि आप यदि वो मॉडल चेंज के टाइम पे यदि आपने चेक सीट को भरा तो आपको इससे क्या होगा कि इजी स्मूथ सेटअप हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि क्या क्या सेटअप में करने हैं, कोई पार्ट मिक्सअप नहीं होगा, डिफेक्ट कम बनेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स हैं कि आपका पार्ट ख़राब नहीं होगा, जो पहले आया है वो पहले लगेगा, आपके ट्रेसिबिलिटी का पता रहेगा आपको। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट वैसे पहले प्रोसेस्ड हुआ है वही नेक्स्ट ऑपरेशन पे पहले जाएगा, जो प्रोडक्ट पहले परचेज हुआ है वही सबसे पहले यूज़ होगा, और किसी किसी प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ भी होता है, मतलब कि किसी किसी कोई कोई प्रोडक्ट ख़राब होने वाली चीज़ होती है तो उसको जो पहले आया है वो पहले यूज होगा, नहीं तो जो पहले आया है वो बाद में यूज होगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो इस तरीके से उसको पहले यूज करना है। उसमें क्या है, ये जो FIFO है वो हर जगह मेंटेन करना पड़ता है, स्टोर से लेकर के डिस्पैच तक, मतलब कि पहले स्टोरेज में पार्ट रखा हुआ है वहाँ से आया लाइन पे, वहाँ सब असेंबली हुई, वहाँ से गया दूसरे नेक्स्ट ऑपरेशन पे, वहाँ भी आपको FIFO का मेंटेन रखना है, देन आपका डिस्पैच में गया और वहाँ पे भी FIFO का मेंटेन रखना है, और वहाँ से कस्टमर एंड पे गया और वहाँ भी FIFO का मेंटेन रखना है, इस तरीके से हम ट्रेसेबिलिटी का मेंटेन रखते हैं। देन FIFO क्या है, FIFO से हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाए रखने के लिए भी मदद मिलती है। ये एक एग्जांपल है FIFO का, आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इधर से इन किया इधर से आउट हुआ, तो ये जो चीज़ है ख़राब होने वाली चीज़ है, इसका सेल्फ लाइफ है और ये बनी रहेगी सेल्फ लाइफ। देन ये FIFO का इस तरीके से है कि रखना है इस तरीके से कि एक तरफ से इन हो एक तरफ से आउट हो, और FIFO टैग लगा के रखना है, पिक मी फर्स्ट लगा के रखना है कि ये पहले इस्तेमाल करो ये बाद में इस्तेमाल करो, सपोज़ कि दो या तीन लाइन है तो पिक मी फर्स्ट लगाना चाहिए।
देन हम ये पी चार्ट समझते हैं कि यार जो प्रोडक्टिविटी की चार्ट है या फिर पीएनपी यदि आपकी रिजेक्शन की चार्ट है उसमें हम ये देखते हैं कि कंट्रोल चार्ट यूज टू मॉनिटर डिफेक्ट रेट, आपकी डिफेक्ट रेट किस तरीके से आ रही है। डिफेक्ट रेट का फार्मूला देखिए कि ये डिफेक्ट रेट का फार्मूला है, इस तरीके से डिफेक्ट रेट का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एनजी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल कितना आपने प्रोडक्ट बनाया। सपोज़ कि आपने घंटे में 60 प्रोडक्ट बनाए और टोटल एनजी प्रोडक्ट आपने 5 बनाए, तो 5/60 × 200 ये आपका डिफेक्ट रेट चलता रहेगा। हर घंटे आपको निकालना है तो हर घंटे आपका डिफेक्ट रेट आएगा और यहाँ पे वो पॉइंट होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ पे आप पॉइंट करते चले जाएंगे और सीधा ये फिर लाइन को जोड़ देंगे, सारे लाइनों को ऐसे 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 जोड़ देंगे तो वो आपका ग्राफ निकल जाएगा। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग मिल जाती है कि भाई कितना डिफेक्ट चल रहा है, हम रियल में एक्शन ले पाते हैं, बाद में एक्शन लेने में दिक्कत हो सकती थी और हमको रियल टाइम पे एक्शन मिल जाती है। पोका ओका क्या है, आप जानते हैं मिस्टेक प्रूफिंग होती है। पोका ओका मतलब कि गलती से भी गलती ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये किसी तरीके से पोका का मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है या किसी तरीके से अलार्म सिस्टम से हो सकता है। तो आप समझेंगे कि किसी प्रोसेस में कोई डिफेक्ट आने के लिए, डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, कोई गलती ना हो जाए, मशीन कोई गलती ना कर दे, पार्ट कोई गलत ना बन जाए, मैन पावर से कोई गलती ना हो जाए, सेफ्टी का कोई पॉइंट ना आ जाए, तो इस तरीके से उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम पोका ओका लगाते हैं कि गलती से भी गलती ना हो, मैन पावर बेस्ड काम ना हो, यदि गलती हुई भी हो तो पकड़ी जाए, और ऐसा पोका ओका लगाते हैं कि गलती होने का चांस ही ख़त्म हो जाए। तो इससे हमारा अभी देखते हैं कि पोका ओका मिस्टेक क्यों होता है लैक ऑफ नॉलेज से, मैन पावर बेस्ड काम होता है तो कंसंट्रेशन नहीं रह पाता तो उस समय गलती हो जाती है। लेकिन मशीन में हम यदि पोका ओका लगा दिए तो मैन पावर के कंसंट्रेशन से कोई डिपेंड नहीं करता है, मैन पावर यदि कंसंट्रेशन ख़राब हो गया तो वो पार्ट चलेगा ही नहीं, वो मशीन चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें पोका ओका लगा हुआ है। तो ध्यान रखना है पोका ओका का, पोका ओका अलग अलग चीज़ें होती हैं। सपोज़ कि जैसे कोई पिन है, कोई होल्डर है, यदि उसमें हमें सेट करना है तो उसमें दूसरा वाला सेट नहीं हो सकता, इस तरीके से। तो इस तरीके से पोका ओका होता है। मशीन का होता है कि कोई डिफेक्टिव पार्ट है तो उसको वो नीचे गिरा देगा, उस तरीके का पोका ओका है। पोका ओका इस तरीके का होता है कि भाई कंफर्म पोका ओका कंडीशन बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन। अभी पोका ओका को हमें बार बार चेक करके लिखे कन्फर्म करना है कि पोका ओका सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो वही स्टॉप कॉल वेट का पालन करना है आपको, आप सुपरवाइजर हैं, इंस्पेक्टर हैं, किसी को भी। देन है कि हमारा कि पोका ओका से बेनिफिट है कि डिफेक्ट कम से कम बनते हैं, पहले ही रुक जाते हैं। फिर हमारा सेफ वर्किंग कंडीशन होता है, क्योंकि यदि पोका ओका लगा हुआ है तो किसी तरीके से एक मशीन के अंदर में कोई एक बंदा गया हुआ है और उसी के सेक ठीक समय में दूसरा बंदा जाएगा तो वो नहीं जा पाएगा मशीन, मतलब एक बंदा यदि मशीन का डोर खुला हुआ है और तो वो मशीन रन नहीं हो सकती, इस तरीके से पोका ओका है। फिर उसके बाद है कि कैलिब्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। कैलिब्रेशन से आप ये समझते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट से आप चेक कर रहे हैं कि पार्ट का डायमेंशन, सपोज़ कि आपके पास वर्नियर कैलिपर है, आपके पास माइक्रोमीटर है और उससे आप पार्ट का डायमेंशन चेक कर रहे हैं, तो पार्ट का डायमेंशन ओके बता रहा है, वो कैलिब्रेशन बता रहा है। क्या कैलिब्रेशन सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, उसको कौन चेक कर रहा है? तो हमें इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम, जब उसका हो टाइम आता है, 1 ईयर के आपके हैं, 6 महीने के हैं या 2 साल के हैं, तो उसका कैलिब्रेशन उस टाइम पे कराना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट जो चीज़ हमें बता रहा है और उस पर हम भरोसा करके उस पार्ट को ओके साबित कर रहे हैं, तो हमें एक बार ना उसको भी चेक करना चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं है। इसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं। और इस कैलिब्रेशन से हमें फ़ायदे हैं कि हमें ओके पार्ट हमेशा मिलता रहता है और हमारा जो जजमेंट है वो हमारा सही जजमेंट होता रहता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि पार्ट के जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में है उसमें कैलिब्रेशन ड्यू टैग लगा होता है, उसको हमें देखते रहना है। कुछ कैलिब्रेशन चेक शीट हैं कि जो वो पॉइंट बता रहे कि नहीं जी भाई इसमें कोई चीज़ टूट तो नहीं गया है, इसका कैलिब्रेशन ड्यू तो नहीं हो गया है, इसका इंस्पेक्शन क्या क्या आ रहा है डेटा, वो चीज़ हम मॉनिटर करते रहते हैं और बाद में हम उसको एनालाइज करते हैं कि ये गलत हो गया है, तो फिर हम इसको कैलिब्रेशन के लिए भेज देते हैं।
देन हम नेक्स्ट देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट तो है, आप समझ सकते हैं कि पार्ट क्वालिटी हमेशा बनी रहेगी, जो एक जो डायमेंशन ले रहे हैं उसकी एक्यूरेसी बनी रहेगी, और जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल इसके अकाउंट डिपेंडिंग सही डिसीजन ले पाएंगे। देन है मशीन चेकशीट। मशीन का स्टार्टअप करने के समय में ये मशीन चेकशीट है। मशीन का हर डेली जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो मशीन के कुछ चेक पॉइंट हैं जो डेली चेक होते हैं कि भाई मशीन को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ हमें चेक करना है, जैसे कि हमें प्रेशर चेक करना है, पानी खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, एयर खुला है कि नहीं खुला है, करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं से कनेक्शन ज्वाइंट है कि नहीं जाए, हर सारे स्विच ऑन है कि नहीं है, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, पुकारों का वर्किंग में है कि नहीं, उसका स्विच ऑन है कि नहीं, सेफ्टी वाला इंस्ट्रक्शन ऑन है कि नहीं, तो इस तरीके से सारे चेक पॉइंट कि कौन सा सीक्वेंस में करना है। कुछ ऐसा भी चीज़ होती है कि पहले पानी नहीं, पहले हवा स्टार्ट करना है, तो पहले मशीन को स्टार्ट करना है, पहले पानी स्टार्ट कर दिया मशीन को स्टार्ट नहीं, तो हो सकता है कि कोई ड्रम टूट जाए या कोई अंदर की चीज़ें ख़राब हो जाए। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कौन सा सीक्वेंस में कौन सा, तो ये मशीन का एक चेकशीट होता है कि हाँ जी मशीन को स्टार्ट करने का तरीका, वो सारे पॉइंट उसमें रखे रहते हैं। इससे क्या होता है कि यदि मान लो कि गलत तरीके से हमने मशीन स्टार्ट कर दिया तो क्या चीज़ हो सकती है, या तो क्वालिटी प्रोडक्ट बन सकता है या तो ब्रेकडाउन हो सकता है। ब्रेकडाउन होगा तो आप प्रोडक्टिविटी कमज़ोर हो जाएगी, और यदि आपका क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से मशीन चेकशीट का एक इम्पॉर्टेंट बहुत है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं मशीन के ऊपर काम करते हुए। यदि कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी आती है तो स्टॉप कॉल वेट का पालन करना है, मशीन को स्टॉप करना है, सुपरवाइज़र को कॉल करना है और वेट करना है कि सुपरवाइज़र नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें काम करने का क्या देता है। देन हमें देखते हैं मशीन से चेकशीट से बेनिफिट क्या है। डेली मशीन चेकशीट चेक हो रही है तो मशीन का भी हेल्थ अच्छा बना रहता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है, एबनॉर्मलिटी कम आती है और प्रिवेंटिव हो जाता है कि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। देन है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग ये है कि एक बंदा है वो नया आया हुआ है, या उसके 10 दिन हुए हैं या उसके 20 दिन हुए हैं, तो ऑपरेशन में हम जब काम करते रहते हैं उसी समय उसको यदि हम ट्रेनिंग करें, उसी समय यदि उनको ट्रेंड करें कि हाँ भाई किस तरीके से तुम काम करोगे, किस तरीके से वो करोगे, तो वो सीखता जाएगा। तो वो जो ऑन जॉब मतलब जॉब के दौरान जो ट्रेनिंग होती है ना, उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, आप ही समझ सकते हो। और यदि आपको वीडियो के दौरान यदि जितने भी चीज़ें मैंने बताई उसके दौरान और भी कुछ गैप्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो। आपके कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी कैसा भी सवाल हो, आप मेरे से पूछ करके अपना इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि OJT का क्या हमारे फ़ायदा है, कि एक होता है कि हमें ट्रेनी का लिस्ट आप पता करो कि कौन कौन सा ट्रेनी है, फिर उसको अपने चेक पॉइंट्स को एलेबोरेट करो क्या क्या आपको चेक पॉइंट करने हैं, फिर चेक पॉइंट करने के बाद उसको ऑब्जर्व करो कि हाँ भाई वो काम सही से कर रहा है कि नहीं चेक कर रहा है, फिर उसके बाद उसको फॉलोअप करते रहो वो एक बार दो बार तीन बार। इससे क्या होता है कि टीम का स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाता है और हमारा क्वालिटी और सेफ्टी इम्प्रूव हो जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी और वर्क प्लेस सेफ्टी इम्प्रूव हो जाएगी। ये ऑन जॉब स्किल ट्रेनिंग सीट है, फॉर्मेट है। सपोज़ कि बंदे के नाम लिखे हुए हैं, उसका क्या लेवल है, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग में लेवल है, एंड देन उसका ट्रेनिंग का जो हमारा प्लान है कि आपको हम ट्रेनिंग करते रहेंगे, उस तरीके से हमारा लिखा हुआ है। तो मतलब कि बंदे से यदि आपको काम कराना है ना, तो उसको उसे सिखाना पड़ेगा। आपका भी कोई जूनियर है जो नया ज्वाइन हुआ है और उससे आप काम लेना चाहते हैं, तो उसको आप सिखाओ। जब आप सिखाओगे किसी को तो वो आपको काम निकाल के ज़रूर देगा। तो सिखाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर को अपने काम के बारे में सबको सिखाना जरूर चाहिए। देन CFT अप्रोच। CFT का क्या है कि एक क्रॉस फंक्शनल टीम होती है जो शॉप फ्लोर पे आकर करके गेम्बा करती है, जिसमें क्या होता है कि वो कोई भी नॉन कन्फर्मिटी आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मलिटी आ गई मशीन के ऊपर, तो आपको स्टॉप कॉल वेट करना है, तो आपको मशीन को स्टॉप करना है, सुपरवाइज़र को कॉल करना है और फिर क्या करेंगे, अपना वेट करना है कि सुपरवाइज़र क्या डिसीजन लेता है। तो वेट किस चीज़ का करना है, वेट वो कर रहा है कि सुपरवाइज़र और कुछ CFT टीम आकर कर करके उस डिफेक्ट जो एबनॉर्मलिटी हुई है उसके ऊपर कुछ वो डिसीजन ले रहे हैं, कुछ वो
कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ मीटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या आउटपुट निकलता है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो हम फिर से मशीन पे काम स्टार्ट करेंगे। तो वो जो सीएफटी होता है, उसमें सीएफटी क्रॉस फंक्शनल टीम का कहने का मतलब है कि उस टीम के अंदर में अलग अलग फंक्शन के टीम होते हैं। जैसे उसमें मेंटेनेंस का भी बंदा रहेगा, उसमें इंजीनियरिंग का भी बंदा रहेगा, उसमें प्रोडक्शन का भी बंदा रहेगा, उसमें क्वालिटी का भी बंदा रहेगा, उसमें जिग मेंटेनेंस का बंदा रहेगा, उसमें सेफ्टी का भी बंदा रहेगा, उसमें अलग अलग और भी डिपार्टमेंट जो कंसर्न होंगे उससे रिलेटेड जो जो आदमी होगा वो उस टीम में रहेगा, और वो सारे डिसाइड कर करके एक रूट कॉज पे पहुंचेंगे और सही एक्शन लेंगे ताकि दोबारा वो एबनॉर्मलिटी ना रिपीट हो शॉप फ्लोर पे। दें हम सब सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो सबसे मेन तरीका है ना, वो कहीं पे ऑफिस में बैठ कर करके डाटा को एनालाइज कर कर करके हम रूट कॉज नहीं निकाल सकते हैं। सपोज कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आया तो आप उसको ना ऑफिस में बैठ कर करके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जा भाई ये प्रेशर कम कर दे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करने का। इससे हो सकता है कि और डिफेक्टिव पार्ट बनने लग जाए। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपके पास पता चले कि आपके पास कोई सीएफटी टीम को कोई प्रॉब्लम असाइन किया गया कि हाँ जी आपने सुपरवाइज़र को कोई प्रॉब्लम बताया या सुपरवाइज़र को आपने कॉल किया मशीन को रोक करके, सर मशीन ना एबनॉर्मल साउंड कर रही, तो वो बोलेगा क्या ये वाला चीज़ कर दे मशीन को चला दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुपरवाइज़र को क्या करना चाहिए, गेम्बा करना चाहिए, उसको आना चाहिए आपके पास, देखना चाहिए कि सीरियल सिचुएशन क्या है, और फिर जा करके जो नेसेसरी एक्शन है वो लेना चाहिए। तो गेम्बा मतलब ये होता है कि गो टू द एक्चुअल प्लेस, टेक नेसेसरी एक्शन, गो टू द एक्चुअल प्लेस, सी द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड टेक नेसेसरी एक्शन। कभी भी ऑफिस में बैठ करके हमें डिसीजन नहीं लेना है, हमेशा गेम्बा करना है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए तो पहले उस मशीन पर जाना है, देखना है कि क्या सिचुएशन है, फिर सही एक्शन लेना है जी। अभी जो हमने बताया ये सारा चीज़ जो है ऑपरेटर के, इंस्पेक्टर के, लाइन लीडर के, लाइन इंचार्ज के से रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी। यदि आप सभी को ये वीडियो में कोई भी तरीके का कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू जी।